का धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामजी यादव जी का, तेजस्वी जी का, गोरखनाथ जी का, तुलसीदास जी का, सुदीप जायसवाल जी का, मोहम्मद सलीम खान जी का और नसरीन खोजा जी का। ये सात लोग अभी जो दिल्ली में चुनाव हुआ था तो उन 70 कैंडिडेट में एक अभागा कैंडिडेट मैं भी था, जो जी अभागा मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि वहाँ पे हम लोगों की बहुत बुरी हार हुई और मगर हम लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और हमारे जो सात लोग आए थे उन्होंने बहुत मेहनत किया हमारे साथ कंधे में कंधे मिलाकर। तो मेरे तरफ से आप लोग सब ताली बजा के इनको धन्यवाद दीजिए कि ये लोग सात लोग खड़े हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सातों लोगों का। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया और अपना परिवार मुंबई छोड़ के वहाँ पे जिस ढंग से लगा, कब नाश्ता कब खाना, कभी कि इन्होंने कभी मुझे बोला भी नहीं कि नाश्ता नहीं मिला या खाना नहीं मिला या ये परेशानी हो, क्योंकि वो जो जगह था जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा था वहाँ कोई होटल भी नहीं था, वहाँ किसी का घर किराए में लेना पड़ता था और उसमें नीचे में बिछा कर और सोना पड़ता था, मगर इन लोगों ने कभी कॉम्प्लेन नहीं किया, जबकि बाहर से आए बहुत लोगों के पास बहुत कॉम्प्लेन था, मगर इन लोगों ने नहीं किया। तो मुझे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये लोग आपको बताएंगे कि हम लोगों ने दिल्ली में इतनी बुरी तरह क्यों हारा है ना, ये बहुत सोचने का बात है। और हमारे हार के पीछे एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वहाँ संगठन नाम का चीज नहीं था, वहाँ कोई संगठन नाम का चीज नहीं था। जो ब्लॉक अध्यक्ष होता था, ब्लॉक अध्यक्ष से पूछिए कि आपके ब्लॉक में और कौन कांग्रेस के लोग हैं, तो उनके पास दूसरा तीसरा नाम भी नहीं रहता था। हम लोगों ने अपने लोगों को खड़ा किया, अपना विभाग के लोगों को खड़ा किया और उनके बदौलत हमें चुनाव लड़ना पड़ा। मैं इसलिए ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में संगठन पे जोर देने वाले लोग कम हैं और बिना संगठन का हम कुछ नहीं पा सकते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस का वहाँ पे 15 साल राज था, दिल्ली में राज था ना 15 साल, 15 साल में लोगों ने संगठन के प्रति ध्यान ही नहीं दिया, ये ध्यान ही नहीं दिया। जब तक गाय दूध देती थी गाय का स्वास्थ्य पे ध्यान किसी को नहीं गया, एक दिन आया गाय दूध देना बंद कर दी क्योंकि गाय बीमार पड़ चुकी थी। अब जब गाय बीमार रहेगी तो दूध की कैसे मिलेगा किसी को, वही हालत वहाँ दिल्ली में हुआ। एक एक ब्लॉक है ना, उसमें युवा कांग्रेस का कोई है ना, महिला कांग्रेस का कोई है ना, सेवा दल का कोई है, और वो ब्लॉक का अध्यक्ष अपने आप को अध्यक्ष बोलता है, मीटिंग होता है, कोई सम्मेलन होता है, किसी भी तरह 10-20-25 लोगों को लेके पहुंच जाता है और अपने आप को ब्लॉक अध्यक्ष बोलता है। तो ये हम लोगों का संगठन का दिल्ली में स्थिति, और जो हम लोगों ने जो बुरा हाल वहाँ पे देखा इसके सिर्फ कारण यही था कि हमारा संगठन वहाँ पे, जो हिंदी में कहावत बोलते हैं ना, नील बटा सन्नाटा, मजाक में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ जो है नील बटा सन्नाटा है, तो कांग्रेस का संगठन जो है वहाँ नील बटा सन्नाटा था। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करने के लिए आया हूँ और इसीलिए मुझे इंटरेस्ट था कि आप लोगों से मिलूँ कि संगठन यदि हम नहीं खड़ा करेंगे तो हमारा भी स्थिति धीरे धीरे दिल्ली वाला स्थिति ही होगा। 1% वोट, 2% वोट, जो इंडिपेंडेंट भी खड़ा उसको भी कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिल रहा है क्योंकि कैंडिडेट के नाम पे मिल रहा है, या कांग्रेस के नाम पे कोई नहीं देने को तैयार है क्योंकि कोई बोलने को तैयार नहीं है। लोग आ भी रहे हैं तो दूसरे पार्टी वाले बोला रहे कांग्रेस को देने से कोई फायदा नहीं, आपका वोट गड़बड़ हो जाएगा। और हम लोग का जो विभाग है, जो ऑल इंडिया असंगठित कामगार विभाग है, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मौका है। क्यों ये सबसे बड़ा मौका है? क्योंकि इस विभाग में से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ सकते हैं। यदि हम देखेंगे, यदि मजदूर लोगों को, तो चाहे वो हॉकर का बात करें, चाहे वो बिल्डिंग में काम करने वाले का बात करें, घरों में काम करने वाले का बात करें, होटल में काम करने वाले का बात करें, फैक्ट्री में काम करने वाले का बात करें, ऑफिस में, चारों तरफ हम देखेंगे तो हमें असंगठित मजदूर नज़र आता है कि नहीं आता है? मजदूर चारों तरफ हमें मजदूर नज़र आता है।
तो ऐसे मजदूरों को यदि हम अपने पार्टी से जोड़े तो हम एक मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी में खड़ा करने में हम सफल हो सकते हैं। तो हमारा हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने यूनिट को, जो ऑल इंडिया संगठित कामगार कांग्रेस है, इस यूनिट को मजबूत करें। क्यों मजबूत करना जरूरी है? क्योंकि देश के सामने कांग्रेस ही एक विकल्प है। जो देश की स्थिति हो रही है, चाहे वो कोई भी मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो आर्थिक मुद्दा ले लीजिए, आज देश जो है राजनीतिक मुद्दा के कारण परेशान है। हम सबों को चाहिए कि हम अमन चमन के साथ, चैन के साथ रोजी रोटी कमाएं, परिवार को देखें, परिवार को आगे बढ़ाएं, न कि हम छोटे छोटे विवादों में फंस के भाईचारा को खोए। कोई नहीं चाहता है। आज आप देखिए, लोग लगे हुए CA के विरोध, हम लोग भी बहुत टाइम दे रहे हैं CA के विरोध में, NRC के विरोध में, और देश जो है आज इसे कुछ लेने देने वाला नहीं है। हमारे चुनाव प्रचार में राज बब्बर जी आए थे। राज बब्बर जी ने बोला कि यदि मेरे से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि तुम अपने पिताजी का डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो मेरे पिताजी के पास भी कोई जमीन नहीं था, मेरे पिताजी के पास भी खाता खेसरा नहीं था, मेरे दादाजी का दिखाओ तो मेरे दादाजी के पास भी नहीं था, मेरे मांगोगे तो मेरे पास मुंबई में एक मकान है। तो राज बब्बर जैसे हैसियत के लोग ये कहते हैं कि NRC में उनके पास भी दिखाने के डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो हम सबों का क्या स्थिति होगा, हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो देश को बांटने का कोशिश जो है, ये जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। और जो आर्थिक व्यवस्था देखेंगे हम लोग, जब से GST और ये नोटबंदी आया है, तब से सारे लोगों का कारोबार जो है वो नीचा चलते चला जा रहा है, व्यवसाय कम हो रहा है, और हमारा बेरोजगारी जो है वो बढ़ते जा रहा है। छोटे व्यवसायी हो या बड़े व्यवसायी हो, सारे लोगों का स्थिति उसी के ढंग खराब होते जा रहा है। और साथ में जो बड़े घराने हैं उनका आमदनी बढ़ते जा रहा है, उनके पास पैसों का ढेर बढ़ते जा रहा है। तो ये जो केंद्र सरकार है, हमें ऐसे ही अर्थव्यवस्था में हमें धक्का मार के फेंक रही है पूरे देश को। अभी आपने सुना एयर इंडिया बेचने का पूरा प्लानिंग हो चुका है, रेलवे को बेचा जा रहा है, जो अच्छे अच्छे कंपनियां थी BPCL वगैरह, सारे कंपनी को बेचने का प्रक्रिया जारी है। तो ये इससे जो है देश को कंगाल करने का उपाय निकाला जा रहा है। और यदि हम कांग्रेस को मजबूत नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी को हम सरकार में नहीं लाएंगे, तो फिर देश का स्थिति आप समझिए क्या और कितना बुरा होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो और कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाने के लिए हमारा जो विभाग है, ऑल इंडिया संगठित कामगार कांग्रेस, ये सबसे अच्छा एक मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाखों करोड़ों मजदूरों को हम अपने विभाग से जोड़ें और इस माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें।